प्रदेश में बिजली कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी। लगी कैबिनेट की मुहर। उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली के लिए 14,500 करोड़ का अनुदान। धान से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने एवं इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए नई नीति लागू की जाएगी। हुआ मंत्रिमंडल में निर्णय। कोरोना कर्फ्यू क्या खुला, बदमाशों के हौसले हो गए बुलंद। राजधानी भोपाल के कोहे फिजा क्षेत्र में आधे घंटे के अंदर दो चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद दोनों स्कूटी सवार फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों पर 20,000 रुपए का इनाम रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर के लाल बाग के गौरव व वैभव को पुनः स्थापित किया जाएगा। इंदौर में 72 एकड़ में फैली 135 साल पुरानी धरोहर के पुनरुद्धार का कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ होगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के साथ रीवा में लगभग 45 करोड़ की लागत से निर्मित फ्लाईओवर ब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने रीवा वासियों को कहा कि बिंद की जनता ने हमेशा भाजपा को भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए वे उनके सदैव ऋणी रहेंगे। आज से प्रारंभ हुई प्रदेश में मूंग की खरीदी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान भाइयों ने घनघोर परिश्रम करके मूंग का रिकॉर्ड उत्पादन किया। अधिक उत्पादन से बाजार में इसकी कीमतें गिरी, यही कारण है कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी का निर्णय लिया है। समीर दास भोपाल के आखिरी हॉकी ओलंपियन हैं। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारतीय टीम का झंडा बुलंद किया था। 20 वर्ष से ज्यादा हो गए ओलंपिक जाने का सिलसिला रुके हुए। अब समीर दास ने मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी को ज्वाइन किया है। वे मंगलवार से मैदान संभालेंगे। मंडला विधायक देव सिंह सयाम द्वारा अपनी निधि से बमनी मंजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 12,78,000 मूल्य की एम्बुलेंस भेंट की और उसे त्वरित कार्य में लगाते हुए हरी झंडी दिखाकर सेवा कार्य के रवाना भी किया। जिले की फ्रंटलाइन वर्कर आशा कार्यकर्ता अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर 11वें दिन भी हड़ताल में हैं। इससे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में काफी प्रभाव पड़ रहा है। संस्थागत प्रसव, टीबी के मरीजों का फॉलो अप सहित दवा खिलाने जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सीएमएचओ से मिलकर इन आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा बताई। पर्यावरण की अनदेखी। अभी कुछ दिनों पूर्व भी हम सभी ने पर्यावरण लगाने, पौधारोपण किया एवं वृक्षों को बचाने का संकल्प लिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद देखिए यह तस्वीर किस तरह से मिट्टी मुर्रम की खुदाई के लिए वृक्षों को भी नहीं बचाया जा रहा है। अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। सैलून दुकानों, ब्यूटी पार्लर को भी मिली अनुमति। विवाह के लिए दोनों पक्षों से 20-20 लोग हो सकेंगे शामिल।